सीतापुर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालबाग चौराहे पर मुख्यमंत्री का फूका पुतला, की जमकर नारेबाजी। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर सीतापुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। मुर्दाबाद के नारे लगाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वादे को बताया खोखला। पुलिस प्रशासन बनी मूक दर्शक, ये सब देखती रही। योगी सरकार व मोदी सरकार के मुर्दाबाद के जमकर इस दौरान नारे लगाए गए। आपको बता दें, ताजा मामला यूपी के सीतापुर लालबाग चौराहे का है, जहां पर महिला के प्रति बढ़ती हुई आरक्षा और हर तरफ बेटियों को जिंदा जलाने का प्रकरण योगी सरकार में जोर शोर से चल रहा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों को खोखला साबित कर रहा है। इसी के चलते कांग्रेसी महिला कार्यकर्ता मिथिलेश विश्व कांग्रेसी जिलाध्यक्ष विनय दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार व मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व लालबाग मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन कर योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूका व मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस बीच कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। योगी सरकार में नहीं मिल रहा बेटियों को न्याय, इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनय दीक्षित, पुष्पा भार्गव, मिथिलेश वैश्य सहित तमाम कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। आज हमारा महिला कांग्रेस जिला महिला कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री जी का पूछा गया है। जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी के नेता बेटियों की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ आगे, वो सब खाली कागजों पे है। और निरंतर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। अभी आगरा में जो कांड वो संसार करने वाला है, और ऐसे मुख्यमंत्री को तो अपने पक्ष से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो आज आप बेटियों के नाम पर सरकार बनाई जिन्होंने, वो स्वाति सिंह, लेकिन आज एक महिला जहां उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और ना उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है, घिनौनी बात है कि आज एक समाज में आम आदमी अपनी बेटियों को कैसे सुरक्षित रख सकता है। आज पुलिस सिर्फ नेताओं के चक्कर लगा रही है, ना कि सुरक्षा मुहैया करा रही है हमारी बेटियों को। आज लोग अपने परिवार की बेटियों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है कि ऐसी सरकार को जो डूब मरना चाहिए, जो आज बेटियों की सुरक्षा नहीं दे सकती।